नमस्कार, ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करें ये कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि जो भी सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करें उन पर मोदी सरकार सख्त कार्रवाई करे। जिसके बाद हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं वे लोग बताएं कि धर्म के खिलाफ है या देश के खिलाफ है। कुछ नेताओं ने तो अब मीडिया पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन वाले कुछ नेताओं ने अब सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर सवाल पूछने पर पाबंदी लगा दी है। कोई हमारे पवित्र ग्रंथों के बारे में खिलाफ बोलेगा तो पाबंदी लगा दी है, वो उनके टीवी चैनलों पर जाएंगी नहीं जिससे कोई सवाल पूछेगा। अरे भाई, आप जब धर्म के खिलाफ बोलोगे, आप हमारी पवित्र ग्रंथों के खिलाफ बोलेंगे तो मीडिया का कर्म है सवाल पूछना। मीडिया तो सवाल करेगी, आप ऐसा काम ही क्यों करें जिससे आपको मुंह छुपाना पड़े। यदि आप धर्म विरोधी हैं तो बताओ, आप देश विरोधी हैं तो बताओ। यदि धर्म विरोधी हैं तो इस्लाम धर्म अपना लो, और देश विरोधी हैं तो पाकिस्तान चले जाओ। भारत का खाते हैं, भारत में ही पीते हैं और भारत के खिलाफ भी बोलते हैं, ये कहाँ का न्याय है? मेरा केंद्र सरकार से अपील है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता सनातन धर्म के खिलाफ बोले या हमारे पवित्र ग्रंथों के खिलाफ बोले, ऐसे लोगों पर राजद्रोह का कानून लगना चाहिए। कुछ खबर लखनऊ से है, जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान ठेकेदार लापता हो गया। वह इंदिरा नगर के पास ठेकेदार की गाड़ी बरामद हुई, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और गोताखोर ठेकेदार की तलाश में जुट गए। वहीं ठेकेदार के भाई ने खुदकुशी की आशंका जताई है। ठेकेदार के भाई ने साइबर ठगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद ठेकेदार साइबर ठगों से परेशान था। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सूचना सर, कल शाम से हमारे भाई मिल नहीं रहे थे, तो हम लोग रात भर ढूंढे, पता नहीं चला। सुबह करीब वही 9 बजे हमें पता चला कि इंदिरा नहर के किनारे है उनकी स्कूटी और चप्पल, चश्मा और अंगोछा मिला है। हम लोगों को लगता है सर करीब एक हफ्ते से बहुत स्ट्रेस में थे, मतलब परेशान रहते थे, और अभी आज और कल में पता चला कि जब उनका मोबाइल हम लोग देखें तो मोबाइल में पता चला कि वो जो ये आजकल सेक्स रैकेट वाला ऑनलाइन वाला फ्रॉड चल रहा है, उसमें कुछ मतलब पैसे ऐसे दिए हैं और 10 लाख रुपए की फिरौती और मांगी जा रही थी, जिसको लेकर बहुत परेशान थे। अभी लग रहा है सर कि लगता है कि सुसाइड कर लिया है स्कूटी के देखकर। ये कल शाम के बाद आज हमको 10 बजे मिली है, पुलिस को 10-11 बजे सूचना दी। ऐसा सर कुछ ऐसा नहीं था, अभी एक हफ्ते से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशान दिख रहे थे। भाई हमारे यही छोटी मोटी ठेकेदारी का काम करते थे, शटरिंग लगाने का, भैंसौरा में रहते सर। सूचना करेंगे अगली खबर की तरफ। खबर सलेमपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां पुलिस ने एक अष्ट धातु की मूर्ति के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हवाई जानकारी के मुताबिक सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नदावर घाट के अभियुक्तों के साथ मूर्ति को बरामद किया गया। साथ ही मूर्ति बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि पुलिस द्वारा मूर्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमान लगाया जा रहा है। थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा नदावर पुल के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक 4-पहिया वाहन से एक विशिष्ट धातु की मूर्ति वजन लगभग 8 किलोग्राम से अधिक बरामद करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में थाना सलेमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा नदावर पुल के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक 4-पहिया वाहन से एक विशिष्ट धातु की मूर्ति वजन लगभग 8 किलोग्राम से अधिक बरामद करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में थाना सलेमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सलेमपुर
खबर लखनऊ से है, जहां पास इलाके में सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया। बता दें कि अलकनंदा एंड एक्सक्लेव अपार्टमेंट में विदेशी महिलाओं का सेक्स स्कैंडल चल रहा था, जहां पड़ोसियों के शक होने के आधार पर जांच में फ्लैट में विदेशी महिलाएं और पुरुष पाए गए। वहीं पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित अलकनंदा एनक्लेव अपार्टमेंट का मामला बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां सतगुरुदेव प्राकट्य महोत्सव 20 सितंबर को वृंदावन में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर वहां विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि इस मौके पर देश के महान संत मौजूद रहेंगे। वहीं मलुकपीठ सेवा संस्थान न्याय के पदाधिकारी जगत गुरु द्वाराचार्य मूलक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज के नेतृत्व में महोत्सव होगा। अनेक महापर्व वर्ष में होते हैं, उनमें भाद्र शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी भारतीय सनातनी ऋषियों की पूजा करते हैं, सप्तर्षियों की पूजा करते हैं। इस बार बड़े समारोह के साथ श्री मलुकपीठ वृंदावन में यह ऋषि पंचमी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश के मूर्धन्य सात संतों का सप्तर्षियों के रूप में पूजा। भारतवर्ष ऋषियों का राष्ट्र है, ऋषियों की भूमि है। कल ऋषि पंचमी है, परसों ऋषि पंचमी है, 20 सितंबर भाद्र शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है वह ऋषि पंचमी कहलाती है। और हमारे ब्रजमंडल के नंद बाबा श्री रमन देती वाले महाराज जी यहाँ उस दिन सबको दर्शन देंगे। हम सब अपने सौभाग्य की सराहना करेंगे, ऐसे सब महान विभूति आधार करके कृपा। अमरोहा के बिबड़ा खुर्द गांव में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का 29 अक्टूबर को भव्य अनावरण होगा। आपको बता दें कि करणी सेना के मंडल प्रभारी डब्ल्यू सिंह चौहान ने के नेतृत्व में चेतन चौहान मार्ग स्थित तीरथ बैंकेट हॉल हसनपुर में राजपूत समाज की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष मास्टर धर्मपाल ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण में दूर दराज से लोग शामिल होंगे। इसी के अंतर्गत इसमें विशाल महासम्मेलन का आयोजन भी करेंगे। वहीं बैठक में उपस्थित रिगन प्रताप सिंह ने मूर्ति अनावरण में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आने की अपील की, जिसमें राजपूत समाज के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। मंदसौर में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं मंदसौर में एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बांध गांधी सागर बांध के जलस्तर को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि इस वर्ष जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं भरने से बांध के गेट नहीं खुल पाएंगे, लेकिन इंदौर, देवास, उज्जैन और रतलाम में लगी बारिश की जोरदार झड़ी ने गांधी सागर बांध के कैचमेंट एरिया में निरंतर पानी बढ़ने से बांध का वाटर लेवल महज 2 दिन में फुल हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते गांधी सागर बांध कैचमेंट एरिया में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए फिलहाल बांध के गेट खुले रहने की संभावना बनी रहती है। भिवाड़ी के फेज 3 थाना अंतर्गत कैपिटल मॉल में फायरिंग की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली कि कैपिटल मॉल की पार्किंग में कुछ लोगों का विवाद हो गया और विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियार से सिर में वार कर दिया। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे SHO सचिन शर्मा ने गहनता से जाँच की, लेकिन SHO को वहाँ फायरिंग के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि घायल युवक को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया है और घायल युवक के परिजनों ने फायरिंग और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। सर, झगड़ा हुआ था, हमारे अंकल जी का कंपनी में काम था, चंद्रपुर वो कंपनी है, उसका HR है पंकज जी, उससे बात हुई थी फोन से। तो अंकल जी का जो काम है हमारे का ठेकेदारी लाइन का काम है, उनने फ़ोन किया, भाई मेरी 2 लेबर बाहर खड़ी है, इनको आप अंदर ले लो। उनने छोटी सीधी गाड़ी दी है कि तुम काम नहीं करते हो, फलाना ढिकड़ा है। तो अंकल जी ने कहा भाई ऐसा गाड़ी क्यों दे रहे हो। उसने कहा तू कहाँ पे है। उन्होंने कहा कंपनी के बाहर ही खड़ा हूँ, लेबर है इनका, उसने के अंदर आओ आप।
अंदर नहीं गए, अंकल जी बाहर रहे, वो आए सीधा अंकल जी पर चापट का कई मारे। फिर उसके बाद फैसले के लिए बात आई थी, हमने फोन करा भाई ऐसा करो आ जाओ कैपिटल मॉल में फैसला कर लेंगे, अरे तो फिर तुम्हें बता देंगे मंजिल। ठीक है भाई, वहाँ पे हमारे अंकल जी पहुँचे, हम पहुँचे इतनी देर में, इसके पास पिस्टल थी, उसके बाद पिस्टल निकाली है उसने, बातचीत में थोड़ी बहुत गर्मा नरमी हुई है, इतनी देर में पिस्टल जो पहले फायरिंग किया उसके बाद फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया, पिस्टल से हमला किया था, पिस्टल से पीछे से जो मारते हैं ना वो मार के फिर फायरिंग की। नाम तो उसका खैर पता नहीं है, बाकी उसके पास हथियार था।